आज की ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन तमाम हजारों और लाखों युवाओं की है जो हर साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ज़रा सोचिए, एक लड़का है जिसने गांव के स्कूल से 12वीं पास की है। उसका सपना है सरकारी नौकरी करने का, लेकिन शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लायक उसके पास पैसा नहीं। बेटे के भविष्य के लिए पिता अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं। बेटा शहर चला जाता है, एक छोटे से कमरे में रहकर साल भर एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पेपर देता है। उसे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से भर्ती ही कैंसिल हो गई। ये गरीब लड़का अपनी बची कुछ हिम्मत जुटाकर फिर से एक साल लगाकर तैयारी करता है। उधर गांव में पिता के सिर पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो ये बात अपने बेटे को नहीं बताते। उन्हें लगता है कि शायद बेटा सरकारी नौकरी पकड़ लेगा तो उनका कर्ज उतार देगा। एक साल बाद तैयारी करके लड़का फिर से पेपर देता है, इस बार भी पेपर लीक हो जाता है। मजबूरी में आकर लड़का अपने कुछ साथियों के साथ पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करता है, लेकिन उन्हें यहाँ न्याय मिलने की जगह मिलते हैं सिर्फ नेताओं के आश्वासन और पुलिस के डंडे। ये कहानी किसी एक लड़के या लड़की की नहीं है, बल्कि उन तमाम लाखों अभ्यर्थियों की है जो हर साल सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन अब लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। खबर ये है कि केंद्र सरकार जल्दी ही चीटिंग और पेपर लीक को रोकने के लिए एक कानून लाने वाली है। इस नए कानून में चीटिंग माफियाओं के लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल इस कानून को लागू होने में समय लगेगा, क्योंकि अभी ये बिल की शक्ल में ही है और 2024 के अंतरिम बजट में इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया है। बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनिए। और इसीलिए इसी भाव के साथ ये विधेयक लाया जा रहा है, जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं, और हमारी भावी युवा पीढ़ी जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी, उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, बस को पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में यह संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे साझा होते हैं, देश के बच्चे साझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत है, और उसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। चलिए अब इस बिल को विस्तार से समझते हैं। चीटिंग रोकने वाले इस बिल का पूरा नाम है लोक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण विधेयक 2024। इस बिल को 5 फरवरी को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। बिल के मुताबिक चीटिंग करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल की सजा होगी, साथ ही उस पर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर छापने वाले व्यक्ति नहीं या किसी संस्थान ने पेपर लीक कर दिया है, जो इस पेपर की छपाई कर रहा है, उसे प्रिंट कर रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उस व्यक्ति को अगले 4 सालों तक किसी भी सरकारी पेपर छापने का टेंडर भी नहीं दिया जाएगा, उसे 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यही नहीं, पेपर लीक और नकल के मामले में कोई भी संस्थान अगर शामिल पाया जाता है तो न सिर्फ उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, बल्कि उसे परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा। पेपर लीक से इतर अगर कोई परीक्षार्थी किसी और के नाम पर परीक्षा में शामिल होता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल की सजा होगी, साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पेपर लीक और नकल के मामलों की जांच करेगा कौन? इस सवाल का जवाब भी बिल में ही दिया गया है। संसद में पेश इस बिल के मुताबिक डीएसपी और एसीपी रैंक के अधिकारी इस एक्ट के तहत पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं की जांच करेंगे। इसके साथ ही सरकार के पास ये भी अधिकार रहेगा कि वो इस लीक और नकल के मामलों की सीबीआई जाँच करा सके। जैसे ही ये बिल कानून का रूप लेता है, इसके तहत यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग, नीट, मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई परीक्षाएं इसके दायरे में आ जाएंगी। फिलहाल ये एक्ट 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर लागू नहीं है। इसके साथ ही राज्यों की परीक्षाओं पर भी फिलहाल ये लागू नहीं होगा, क्योंकि कई सारे राज्यों ने नकल को लेकर अपने अपने कानून बनाए हैं। चलिए ये जानते हैं कि आखिर कितना बड़ा है पेपर लीक का कारोबार। तमाम आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इस पेपर लीक से करीब करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, उनके करियर के लिए सवाल खड़ा हो गया है।
साल 2015 से 23 के बीच के रिकॉर्ड देखे जाएं तो पेपर लीक के मामलों में राजस्थान टॉप पर है। यहाँ पेपर लीक के 14 मामले सामने आए हैं, बाद में परीक्षाएं रद्द तक करनी पड़ी। राजस्थान के साथ ही गुजरात में 7 सालों में 14 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के ही पेपर लीक नहीं होते, नकल और पेपर लीक का कारोबार स्कूलों तक भी फैला हुआ है। स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक करने का बड़ा खेल चल रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल बोर्ड एग्जाम पेपर के मामले में काफ़ी ज़्यादा कुख्यात हैं। बिहार और बंगाल में पिछले 7 सालों में ही करीब 10 बार पेपर लीक हुए हैं। बोर्ड के पेपर का लीक का आलम तो ये है कि साल 2023 में असम बोर्ड का 12वीं कॉमर्स का पेपर 200 से 3000 रुपये तक व्हाट्सएप के जरिए खरीदा और बेचा जा रहा था। सरकार ने ये बिल पेश करके देश के करोड़ों युवाओं को एक उम्मीद की किरण तो दिखा दी। संसद 9 तारीख तक चलेगी, यानी 9 फरवरी तक चलेगी। उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बचे हुए समय में इस बिल को दोनों सदनों में पास कराकर कानून की शक्ल दे दे, क्योंकि 2024 के चुनावों में वोटर्स की संख्या का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं युवाओं का होगा जो इस पेपर लीक और भर्ती घोटाले से तंग आ चुके हैं। इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।